देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ फरजान। उधम सिंह नगर के शक्ति फॉर्म क्षेत्र के ग्राम पंचायत प्रधान विधान दास जी ने जीत के बाद पूर्व प्रधान पर निशाना साधते हुए बताया है कि पिछले वर्षों में पूर्व प्रधान ने नाम मात्र का विकास किया है, शायद इसीलिए जनता ने इस बार मुझे चुना है। और मैं वादा करता हूँ कि सरकार द्वारा दिए गए तमाम योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँच सकेगा। तो देखते हैं कि ये इन वादों पर कितना खड़े उतरते हैं। नगर के शक्ति फार्म क्षेत्र में आए हैं और यहाँ ग्राम सभा है गुरुग्राम से, जो यहाँ निर्विरोध प्रधान चुने गए हैं विधान दास जी से, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, आपको आपकी ग्राम सभा की जनता ने निर्विरोध प्रधान चुना है, तो यहाँ पे जो मूलभूत समस्याएं बनी हुई हैं, तो उन समस्याओं को लेकर आपका क्या प्रयास रहेगा अब? धन्यवाद आप लोगों का। देखो, समस्या प्रयास, हम तो 20 साल से राजनीति में है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा, मंडल महामंत्री रहा, विगत 5 वर्ष जो है BDC मेंबर रहा, अब निर्विरोध ग्राम प्रधान बना। तो हमारा ये लक्ष्य है कि देखो, गरीब जनता जो गांव में होते हैं, जो अगर देखा जाए तो जमीन स्तर का नेता जो होता है वो गांव का ही होता है। तो हम निस्वार्थ, बिना रिश्वत और बिल्कुल पात्र व्यक्ति का काम करेंगे, और हम ऐसा काम करेंगे कि ये कुर्सी हमसे 30 साल तक कोई आदमी छीन ना पाए। और गरीब जनता जो है इतना खुशी है आज के डेट में, उनको ये लग रहा है कि गुरुग्राम जो है, जैसे देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और आज उनको ये लग रहा है कि गुरुग्राम आज़ाद हो गया है। जैसा कि आपकी काफ़ी लोगों से, हम आपकी ग्राम पंचायत के लोगों से मुलाकात की, तो जो यहाँ पे जो अभी तक जो काम हुआ, जो विकास हुआ, तो कुछ लोगों का यहाँ पे दावा है कि अभी तक जो काम हुआ, जो पात्र लोग थे उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया, और अपात्र लोग बिल्कुल नहीं मिलेगा लाभ। अगर आप अनपढ़ आदमी को ग्राम प्रधान बनाएंगे और मीट मुर्गा दारू पी के ग्राम प्रधान बनाएंगे, तो इसमें जो है काम कैसे होगा? उनको खुद का पेट भरने से मतलब ये कि जैसे कि जो भैया जनप्रतिनिधि होने के बाद अपना लड़का और पड़ोसी का लड़का, ग्राम सभा में कोई भी युवा, सबको एक ही नज़र में देखना चाहिए। ये नहीं कि मेरा लड़का है और मैं ग्राम प्रधान हूँ, बजट मार के पैसा मिले, और मेरा लड़का हाईस्कूल पास है, कहीं बलिया से पास कराया, कहीं से कराया, पैसे के बल पर डॉक्टरी कराया, चाहे वो डॉक्टरी कर पाए या ना पाए। अब ये अपना अपना सोच होता है। अब जो है अपना पेट भरने के लिए कोई आदमी अगर गरीबों का पेट काटे तो इसका भुगतान उसको भगवान देगा। हमारा ऐसा सोच नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारे गुरुग्राम के एक एक जनता, एक एक पात्र व्यक्ति तक ये योजना पहुँचे। आज हमारे गांव गुरुग्राम में एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पूर्व प्रधान जी द्वारा, शौचालय मुक्त गांव गुरुग्राम में आपका स्वागत है। हालांकि अभी भी कम से कम 200 परिवार ऐसा है जो मैं खुद देख रखा हूँ, और सर्वे में क्या पता 150 और निकल जाए, जिनके घर में शौचालय नहीं है। लेकिन गुरुग्राम एंट्री होने से पहले ही बोर्ड लग चुका है, शौचालय मुक्त गांव गुरुग्राम में आपका स्वागत है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के काम है। इस 5 साल में कोई आवास हमारे यहाँ पहुँचा नहीं। हालांकि शक्ति फार्म में 14 ग्राम सभाएं हैं, इसमें से 13 ग्राम सभाएं में पूरा इंदिरा आवास आए बनाए भी, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि गुरुग्राम में एक भी आवास बांट नहीं पाया, और कई नाली घोटाला, कई CC रोड घोटाला। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि हम अपना पूरा ईमानदारी से काम करें, और ये पिछला जो है कार्यकाल रहा, इसका भी पैसा रिकवरी कराएंगे हम। शिक्षा के प्रति आपका कैसा सुझाव रहेगा? जैसा कि हम आपके जो यहाँ पे जो स्कूल है, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें गए थे, तो वहाँ के बच्चों से मुलाकात की, तो वहाँ के बच्चों का जो शिक्षा का स्तर है बहुत ही गिरा हुआ है। जो शिक्षक हैं वो बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। ऐसा है कि शिक्षक, देखिए शिक्षक तो ध्यान दे रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि जैसे हमारे यहाँ अभी 10 साल हो रहा है इंटर कॉलेज जो है ये बना है, जूनियर हाई स्कूल, और हम इसी स्कूल से जो है पढ़े हैं, और बहुत ही बढ़िया था पहले। अब यह है कि शिक्षक की थोड़ा कमी भी है। शिक्षक की थोड़ा सा कमी के कारण हम क्या करते हैं, अभिभावक शुल्क लेके यहाँ कई टीचर हमने प्राइवेट रख रखे हैं। प्राइवेट टीचरों को कम पैसे देते हैं, और यहाँ बैठने का भी थोड़ा सुविधा कम था, अब ठीक हो गया। लेकिन हम इस समय ये प्रयास करेंगे और पूरा इंटर कॉलेज में हम ध्यान देंगे। अभिभावकों का मीटिंग अलग से करेंगे। शिक्षक में जो कमी है, शिक्षार्थी में जो कमी है, इसको पूर्ण रूप से सही करेंगे, और कोशिश ये करेंगे खंड शिक्षा तुम्हारा सितारगंज के अंदर कि हमारा इस इंटर कॉलेज में सबसे अच्छा रिजल्ट आए इस बार। प्रधान जी, जैसा कि ये तो आम विकास हो गए, कुछ आपने नया आपकी सोच हो, क्योंकि आप नया सोच, जैसे आज ये देश आज़ाद हुआ 71 साल हो गया है, आज हमारे गांव गुरुग्राम में एक शमशान घाट नहीं है,
तो सबसे पहले प्रयास किया जाएगा कि हमारे गांव में शमशान घाट बन जाए एक, हमारे गांव के कोई बुजुर्ग जो हमारे घर का हो, पड़ोसी हो, गांव का हो, कोई आदमी संस्कार हो जाता है तो उसका संस्कार के लिए हमको 4 नंबर 5 नंबर इधर उधर जाना पड़ता है। सबसे पहला प्रयास हमारा यही रहेगा। और कुछ हमारा मुख्य मार्ग है, जैसे ये पिपलिया जो मेन रोड हमारे किच्छा वाली है, यहाँ जाने वाली 3 रोड खुलता है, तीनों रोड में हमारा कोई रोड नहीं है, पुलिया नहीं है, बारिश में दुनिया भर घूम के जाना पड़ता है आदमी को, ये रोड पुलिया बनाएंगे, यही हमारा मेन उद्देश्य रहेगा सबसे पहले। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।